जी डेवलप हुए हैं हर साल की तरह, इस साल भी, लेकिन इस साल जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत। पहले आप अपना तारुफ करा देते तो बेहतर था, पहले अपना तारुफ करा देते। आप मुझे जैसे कि जानती हैं कि मैं मोहसिना सैयद आर्ट्स काउंसिल में होती हूँ, 6 ईयर से यहाँ ड्यूटीज पर हूँ, जॉब कर रही हूँ। पहले शासक के पास थी उनके असिस्टेंट, फिर ये जो है मैम नाइत रजा के पास, मैं स्कूल में हूँ, शासक ने ट्रांसफर कर दिया। तो यहाँ 6 ईयर से मैं अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही हूँ और बच्चों को यहाँ पर काम करते हुए देख रही हूँ। माशाल्लाह बहुत जो है पहले से और ज़्यादा ये डेवलप हो गए हैं, एक्टिव हो गए हैं, सबका काम अपनी जगह बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक है, एक से एक ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस हम यही दुआ करते हैं कि कामयाब हो बच्चे, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, ये सब सर सबकी मेहरबानी है। उन्होंने ये स्कॉलरशिप का भी जो है हमारे प्रिंसिपल साहब ने सामने किया, तो बच्चे इसमें बहुत लगन से काम कर रहे हैं। अच्छा बहुत सारी चीज़ें तो शाह साहब की हम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों से लोग जो है वो नावाकिफ़ हैं, वो जानते ही नहीं हैं कि अहमद शाह अब जिस तरह यहाँ पर उन्होंने स्कॉलरशिप दी और किस तरह ऐसे बच्चे जो गरीब थे और उनको वो आगे जाके वो एक बड़ी शख्सियत बन जाएंगे, तो अहमद शाह इन हवालों से कभी बताते ही नहीं हैं कि उनका ये भी काम है। लोग ये तो देख रहे होते हैं कि फ़ंड्स आ रहे हैं, लोग ये भी देख रहे होते हैं प्रोग्राम्स हो रहे हैं लोग, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि अहमद शाह जो है वो बच्चों की तालीम और तरबियत में जो है वो किस कदर मददगार हैं। वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि भाई इंस्टीट्यूट चल रहा है तो शायद फीसें आ रही हैं, लेकिन ये आप और मैं जानते हैं इतने बरसों से अहमद शाह के करीब होते हुए कि अहमद शाह जो है वो ना सिर्फ ये कि तालीम की तरफ तवज्जो है हर शोबे में उनके, बल्कि उनके उन ताउन माली इमदाद भी वो जो है करते हैं। तो उसमें ये बताने की तो कोई चीज़ ही नहीं है ना, जो कुछ है वो सब जो है पब्लिक आर्ट के इवेंट्स होते हैं उसमें सब देख रहे हैं जो इनके लिए। हाँ लेकिन वो लोग यही समझते हैं ना कि देखें, लोग यही समझते हैं कि भाई ये तो पैसा आ रहा है तो ये करवा रहे हैं तो सब करवा सकते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं मालूम है जैसे यहाँ फाइन आर्ट्स में कि यहाँ पर कितने बच्चों की फीसें वो भरते हैं, उनको जो है वो कितने बच्चों को वो आगे बढ़ा रहे हैं और कितने बड़े नाम आगे जाकर जो है ना वो एक मुकाम हासिल करेंगे उनकी वजह से, उनकी रहनुमाई में ही हो रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए बच्चे जो है और शौक से हमारे इसमें और लगन से काम करें। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, तो इसमें वो आगे बढ़ रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, शॉर्ट कोर्सेज भी हो रहे हैं, फिर वो उनको डेवलप किया जाता है, फिर वो डिप्लोमा कोर्सेज भी कर रहे हैं और बहुत लगन से काम कर रहे हैं। बेहद शुक्रिया और आपके तावन का बेहद शुक्रिया आर्ट्स काउंसिल में आपकी अपनी खिदमत भी, जब से मैं आपको देख रही हूँ बहुत ज़्यादा है आप का जो है वो ज़ाती इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं इसके थिएटर के, तो यहाँ पर जो है उनके असिस्टेंट की प्रोग्राम असिस्टेंट जी, उसके बाद जो मुझे स्कूल में शिफ्ट कर दिया मैडम ने आई रजा की असिस्टेंट थी जी, आपने बताया तकरीबन 6 साल हो गए इंस्टीट्यूट में, और मैं अपना उसी मेहनत से और अपना ड्यूटी अंजाम दे रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैं पीछे नहीं हटी हूँ जी। बिल्कुल मैं जानती हूँ, बेहद शुक्रिया आपका। अब हम थोड़ा सा काम दिखाते हैं आप लोगों को। ये हमारे साथ एक नन्ही परी है जी, नन्ही परी बताइए, अपना तारुफ कराइए प्लीज़, इंटरप्ट किया माफ़ी चाहती हूँ। ये एक प्यारी सी नन्ही परी है दोस्तों, इनको देखिए, और फाइन आर्ट से इनका ताल्लुक़ है, और ये एक छोटी सी मासूम सी प्यारी सी बच्ची है। और जी बेटे अपना तारुफ कराइए और बताइए ये सारा काम आपका है। मेरा नाम कैरोलिन है और यस मैं 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर, और ये मेरा कॉन्सेप्ट है डिज्नी किड्स हैं जी जी जी। तो ये वैसे कि मैंने पूरा रूम सेटअप किया है किड्स का। ये आपने वॉल, ठीक है, अभी आप खड़े रहिए, अभी आपसे गुफ्तगू हुई, आप खुद ही डिस्क्राइब करें अपने काम को आपने जी। ये टाइम डाई है, क्योंकि टाइम डाई पे मैंने वॉल पेंटिंग की है, ठीक है, स्क्रीन पेंटिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बेसिकली इस पे दिखाया डिज्नी के अलग अलग कलर्स दिखाए, डिफरेंट कलर्स में इसको मतलब कंपोजिशन दी है मैंने, ठीक है, क्योंकि इसके मैंने रियल जो कलर्स हैं उसको आउट किया है मैंने। वाओ,
जी। अच्छा, हमेशा चीज़ों को रियल कलर से आउट कर देना ये बड़ा चार्म होता है फाइन आर्ट्स के लोगों के लिए। पहले पुराने इस तरह के जो क्लासिकल लोग क्लासिकल जो है लेजेंड्स थे वो तो इस तरह के काम करते थे तो उन्हीं के मतलब ये नक्शे कदम पे आप चल रही हैं? नहीं, थोड़ा हम लोगों ने डिफरेंट किया है, थोड़ा अपने ही टेक्निक्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो हम लोगों ने सीखा है हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं कि हमारी अपनी डिज़ाइनिंग क्या है, उसके रिलेटेड हम लोग ने ये अपनी कंपोजिशन दे रहे हैं कि क्या कलर वेरिएशंस हैं और क्या कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ये पूरे मेरे मेजर्स हैं, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, इसी के काम है। ठीक है, ये जो डिज्नी है साइड में डिज्नी पॉट वगैरह जो है उसका करेक्टर, उसके ऑपोजिट मैंने इसका सिंड्रेला। अच्छा, और ये टायर है, टायर को मैंने कंपोजिशन दी है रिबन से, ठीक है, डिज़ाइनिंग की है और टेबल किड्स टेबल ना किड्स टेबल, ठीक है, डाइस हैं, डाइस को ठीक है किया, ठीक है, और ये सिंड्रेला का उसका कंसेप्ट किया था और अकॉर्ड, ठीक है। अच्छा, अब ठीक है, आप ये बताइए अहमद शाह से मुताबिक आप बताइए, अहमद शाह को आप कितना जानती हैं? प्रेजिडेंट ऑफ आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह हैं, वो आप जो है आपके टीचर तो फाइन आर्ट्स के दूसरे हैं, अहमद शाह से कितनी वाकफियत है आपकी? सर से हम लोग जब कंसेप्ट वगैरह होते हैं जो भी क्लास में जो भी ठीक है सर आते हैं, टाइम टू टाइम आते हैं। अच्छा, वेरी नाइस, हेल्पफुल हैं सर, बहुत नाइस। अच्छा, किस तरह हेल्पफुल हैं सर? सर मतलब जो भी हम काम हम टीचर्स वगैरह बताते हैं उसमें हेल्प करते हैं। अच्छा, कैसे हेल्प करते हैं? मतलब वो हर शोबे को जो है वो जानते तो हैं, हावना तो है उनके, क्योंकि वो पूरी दुनिया में घूमते हैं और उनका काम ही यही है कि तालीम हासिल करना और तालीम का फ़रोग करना, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो जो है फाइन आर्ट्स हो, चाहे वो जो एक्स वाई जेड जो भी ना, तो वो सब तमाम सर्कल से रिलेट करते हैं और उसको समझते भी हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आप अहमद शाह के मतलब किस तरह वो आप लोगों के साथ ताउन करते हैं? अभी यहाँ पर स्कॉलरशिप की भी बात हो रही थी जिसको के लोग नहीं जानते कि अहमद शाह क्या माली इमदाद भी करते हैं बच्चों की तालीम में। जी, यस, स्कॉलरशिप बेसिकली कि थिंग्स प्रोवाइड करना, ठीक है, वो आपको करते देते हैं, बहुत हेल्प इसी में ही मदर की चीज़ों को देते हैं हमें, ठीक है, किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ हमें यहाँ से ही प्रोवाइड मिल जाता है। अच्छा, वेरी गुड, बस ये चीज़ें हैं जो बाहर के लोग नहीं जानते। बाहर के लोग ये जानते हैं कि अहमद शाह को फ़ंड मिल रहा है, अहमद शाह अगर प्रोग्राम्स कर रहे हैं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और यही बात मैं असल में समझना चाह रही थी कि फाइन आर्ट्स के शोबे में लिटरेचर से तो उनको पहले से लगाव था और वो तो ठीक है, एजुकेटेड भी है वो भी ठीक है, उनका एक जो है वो सर्कल बनता जा रहा है, सोशल सर्कल, और अब वो इंटरनेशनल लेवल पे आ गया है, वो भी ठीक है। लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे ये सुनना चाह रही थी क्योंकि जब हम लोगों से कहते हैं तो लोग यकीन नहीं करते, लेकिन अब जो बिल्कुल गैर मुतल्लिक लोग हैं, जो गैर मुतल्लिक बच्चे हैं या जिनका कोई ताल्लुक नहीं है यहाँ के जो है ना इलेक्शन से या वोटिंग से, और जो सिर्फ यहाँ तालीम हासिल करने आते हैं, तो उन बच्चों से मैं पूछना चाह रही थी कि वो बच्चे अहमद शाह के बारे में क्या राय रखते हैं? काम तो हम आपका देख ही रहे हैं, यहाँ पे आप हमारा काम देख सकते हैं, यूनिक ही सपोर्ट की वजह से ऐसे हुआ है, अगर वो नहीं करते तो हम लोग भी ऐसे नहीं करते, टीचर्स को गाइड करते हैं। अच्छा, ये बताइए, ये इतनी प्यारी अपने जो है ना ये मैक्सी पहनी हुई है, और मैक्सी जो है ना नायाब हो गई है, तो ये मैक्सी आपने कहाँ से ढूंढी है? ये मैंने खुद कंपोज करवाई थी, मतलब फैब्रिक वगैरह लेके, पूरा कॉन्सेप्ट था सिंड्रेला का, तो अच्छा, और इसकी आपने सिलाई कैसे करवाई? ये टेलर से हो कर दी टेलर ने, पर इनका नंबर ले लें ज़रा आप, क्योंकि टेलर भी आज बहुत मुश्किल से मिलते हैं, एलिगेंट टेलर्स हैं यहाँ पे सदर में, मेरी उनसे करवा दी। अच्छा, ठीक है। अच्छा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपका मैम नाम भी फिर से ले लेती हूँ, कॉरलिन सरफास, थैंक यू कॉरलिन। जी, सना सुभान हमारे साथ जो मौजूद हैं, सना सुभान कराची शहर की नौ मौलूद मारूफ शायरा। जी सना सुभान, आप क्या कहना चाहेंगी ये सिंड्रेला का अभी आपने ये देखा काम,
और सुनरेला ही कहूँगी मैं इनको क्या कह रही हैं आप, ये किस तरह मतलब इन्होंने जो बच्चों का रूम सेट किया है और कंट्रास्ट में इन्होंने कहा कि मैंने कलर इस्तेमाल किए हैं। बेसिकली मुझे खुद को भी ड्राइंग का पेंट का शौक़ है, लेकिन मेरा इस सबको देख के दिल चाह रहा है कि मैं खुद बच्ची बन जाऊँ और यहाँ रहने में शुरू कर दूँ। तो अच्छा, आप इस रूम में रहना शुरू करते हैं, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सना, सुबह आपका बेहद शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। इसकी स्क्रीन कहाँ है? इसकी स्क्रीन क्लास में। बड़ी स्क्रीन, सिंगल कलर में, और फिर खुद ही आपने वो किया है पूरा? खुद ही मैंने किया है। इसका प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। किधर है मतलब वो पर ही है पिक्चर में? चलिए ठीक है, ये आपने स्क्रीन सारा खुद ही किया है और बनाया है? वही टाई डाई के ऊपर वो बैठी थी, मैंने टाई डाई के इसका पिलो कवर हाय बेबी, कैसी हो? हाँ, रूमा नाम है आपका? रूमा रस्तखेजा। रूमा रस्तखेजा, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम पाकिस्तान। नहीं रस्तखेजा नहीं, रस्तखेजा मेरी कज़न है, उनकी कोई जानने वाली थी, बहुत अच्छी दोस्त थी, वो बाहर की, उनका नाम था, तो उनसे देख के उन्होंने मेरा नाम। अच्छा, रूमा रस्तखेजा, आप हमें ये बताइए, आपने पेंसिल वर्क बहुत आला किया है, आपने जो है वो पेंसिल कलर ही इस्तेमाल किया है? पेंसिल इस्तेमाल की है इस काम में? ऑयल भी है और चारकोल। अच्छा ऑयल भी है और अच्छा चारकोल भी है, अच्छा ठीक है, पेंसिल भी है। अच्छा इसमें आपको मतलब आपका काम थोड़ा सा हटकर है, आपने जैसे ये आपकी पेंटिंग है और इसमें आपने जो है ना ये यहाँ या इसमें आपने कलर इस्तेमाल किए हैं, बाकी आपने तमाम ये पेंसिल वर्क है, फिर आपने ये साइड में थोड़ा सा इसका इफेक्ट यहाँ पे डाला है ना, तो ये क्या है? ये जो आपने ये जो दिए हैं ये मुस्ततील और ये मैंने सबका कॉन्सेप्ट बनाया था सब पेंटिंग्स में, हाँ सब एक लिंक बन जाए, ठीक है, सब एक दूसरे से अलग ना लगे। अच्छा तो इसमें क्या मैसेज क्या है आपके? इसमें मैसेज ये है कि मैं अपने ख्वाब पेंट कर रही हूँ, वो जो मेरी लाइफ के असर अंदाज करते हैं दुनियावी तौर पर, और मैं उन पर गौर करती हूँ, और मैंने ख्वाब में अक्सर देखा है कि सांप मेरे पीछे लगा हुआ है। अच्छा कभी वो मुझे डस रहा है, अच्छा कभी मुझे डरा रहा है, कभी वो मेरे अंदर मतलब सलाहियत कर रहा है, कभी मैंने देखा है कि मैं उसको मार रही हूँ, वो छुप रहा है, हंस रहा है, अच्छा। मैं उसको मारती हूँ तो वो पंछी बन के उड़ गया, मतलब उसको मैंने दुनियावी तौर पर उस पर गौर किया, एक इंसान है जो मेरी लाइफ में मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था, अच्छा मुझे देखा कि मुझे बार बार गुमराह कर रहा है, तो मैंने फिर इस तरह से मैंने देखा कि मेरी दुनियावी तौर पर भी जंग लगी हुई है, ठीक है, तो मैंने फिर उसको इस तरह पेंट कर दिया, मैंने उस शाम को मुख्तलिफ जिस हालत में मैंने देखा उसमें पेंट नहीं किया, बस मैंने देख लिया कि हम दोनों का मुकाबला चल रहा है, तो क्यों ना मैं उस स्ट्रगल को दिखाऊँ कि मैं जंग कर रही हूँ उसके साथ, इंसान के साथ मेरी जंग हो रही है, तो इसलिए मैंने ये पोजिशन सेलेक्ट की। अच्छा हालत में ये आपने जो फेस है ये आपने खुद को ही पेंट किया? जी ज़बरदस्त, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आपको यकीन है कि आप मेडल ले लेंगे? हाँ ये मेडल क्लास में जीतने का नहीं है, तो नहीं आपको मुस्तकबिल ये वादा करा है कि आपको उम्मीद है कि हाँ कि आप जीत जाने का है, ठीक है। इसमें भी मैंने देखा था कि मेरे प्रिंसिपल हैं, पूरी क्लास को मेडल दे रहे हैं, मैं पीछे खड़ी, मेरे पूरा यूनिफॉर्म
मतलब पूरा नहीं है, मैं सिटर के पीछे खड़ी थी। अच्छा। प्रिंसिपल सबको मेडल दे रहे हैं, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने कहा बेटा तुम भी लाइन में आओ, मैं फिर लाइन में आई हूँ तो उन्होंने मुझे मेडल दिया। अच्छा, वेरी नाइस। अच्छा ठीक है, अरे ये भी ख्वाब देखा था, ये पेंटिंग भी मेरे ख्वाब। अच्छा तो हम यानी कि हम यहाँ पर एक ऐसी बच्ची के पास खड़े हुए हैं जो ख्वाब देखती है, और उस ख्वाब जो है वो उसकी ताबीर का तो उसको नहीं मालूम है, लेकिन वो ख्वाब उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में बड़े माविन साबित हो रहे हैं, और जब वो उन्हें पोर्ट्रेट करती है तो ये खूबसूरत और अछूते ख्यालात निकलते हैं, और एक पाकिस्तान की आने वाली नस्लों में मुझे दिख रहा है कि आप एक नुमाया शख्सियत होंगी इंशाल्लाह। अब बेटे मुझे ये बताइए, ये अहमद शाह के बारे में आप क्या जानती हैं? वो हमारे यहाँ के आर्ट्स काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं वो, बहुत सपोर्ट करते हैं बच्चों को। अच्छे कैसे कैसे अच्छे? आप ना यहाँ की मेंबर हैं ना यहाँ पे आपको वोट देना है, आप उन्हें अच्छा कैसे कह रही हैं? मैं देखिए हमारे टीचर्स इतने अच्छे हैं, इतने ठीक है टीचर्स हैं, तो उन्हीं की बदौलत हैं, वो ना होते वो ना ये टीचर्स रखते हैं ना हम। हाँ, लेकिन मतलब वो तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, टीचर अलहदा है, अहमद शाह कैसे अच्छे हैं ये बताइए। इस बारे में मैं नहीं कह सकती कि आप, मैं तो नहीं, मतलब वो यहाँ पे ताउन करते हैं बच्चों के साथ करते हैं हमारे ये। हाँ तो कह सकती है ना। हाँ ठीक है, उन्होंने हमें मटेरियल दिया है। हर बच्चा ये बात कह रहा है, हर स्टूडेंट ये बात कह रहा है कि उन्होंने हमें यहाँ मटेरियल भी प्रोवाइड किया है। और अभी जो मैंने बात सुनी वो ये थी कि स्कॉलरशिप दी जा रही है, और बच्चे बता रहे हैं मटेरियल उन्हें फ्राहम किया जा रहा है, जो सबसे बुनियादी चीज़ है, जो बहुत ज़रूरत की चीज़ है, जिसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मटेरियल अगर आप बाज़ार से ख़ुद ख़रीदने जाएं शुरू में तो पता चलता है कि वो महंगा तो पड़ता ही पड़ता है, एक्सपेंसिव तो है, लेकिन कभी कभी चीज़ें ख़राब भी आ जाती हैं। जब आपको मटेरियल प्रोवाइड हो जाता है तो फिर आपको ऑटोमेटिकली मटेरियल का भी पता चल जाता है, और आपको फिर आइंदा आने वाले दिनों में ये भी पता चलेगा कि हमें क्या चीज़ जो है वो चाहिए और किस चीज़ को हमें रिफ्यूज़ कर देना है। वेरी नाइस, बेहद शुक्रिया बेटा। और मैं समझती हूँ ख्वाबों की जो ये शहज़ादी है जो अपने ख्वाबों को मजबूत अंदाज में आगे लेके बढ़ रही है, और बड़ा इंशाल्लाह अल्लाह नाम आपका करेगा, और आपकी पेंटिंग्स मैं एक बार फिर चाहूँगी कि मैं दिखा दूँ, और आपके जो है कलर कॉम्बिनेशन वो बहुत अच्छा है, ब्लैक के साथ आपने बहुत बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया है, जो आपने कहीं कहीं शेड डाल दिए हैं ना वो बहुत आला है। मेरा ख्याल है कि बहैसियत वैसे रस्तखीज़ आपका दम बहुत आगे जाएगा अगर आप खाली रस्तखीज़ इस्तेमाल करें तो। अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ दोस्तों हम मौजूद हैं, आमिर ख़ान सयाल का काम हम देख रहे हैं, आमिर ख़ान सयाल यहाँ मौजूद नहीं है, और ये वो अपने ख्वाहिशों के बारे में क्या कह रहे हैं। ये उनका एक शेर है, सब कुछ हासिल नहीं होता ज़िंदगी में, किसी की काश और किसी का अगर रह ही जाता है। वाओ, तो किसी की काश और किसी का अगर रह ही जाता है के पस मंज़र में आमिर की ये तस्वीर देखें, किसी का काश और किसी का अगर रह ही जाता है। हम आमिर के स्टॉल पे खड़े हैं और आमिर का हम थीसिस देख रहे हैं, किसी का काश और किसी का अगर रह ही जाता है, और हर एक ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती ज़माने में, किसी का काश और किसी का अगर रह ही जाता है। वाओ, ये देखें, वाह वाह क्या क्लासिक वर्क है, ये देखें। मैं आपको करीब से मैं आपको दिखाती हूँ। वाह,
سعید غنی سے مجھے ایک بات کی بالکل امید نہیں تھی. سعید غنی آئے, سعید غنی نے کہا کہ جب تک آپ لٹریچر نہیں پڑھیں گے جب تک آپ جو ہے کوئی کام نہیں کر سکتے آرٹ کے شعبے میں. بالکل انہوں نے صحیح فرمایا تھا, اور اس سے معلوم ہوا کہ وہ واقعی جو ہے یہاں کے اوپننگ اور یہاں کے تھیسس دیکھنے کے لائق تھے. خاموشی, سائلنس, سائلنس پر یہ کام کیا ہے مراد علی حسن حسین نے. مراد علی حسین کون ہے؟ مراد علی حسین یہ ہے ہمارے ساتھ. مراد علی حسین, مراد علی حسین سن نہیں سکتے اور قوت گویائی سے بھی محروم ہے اور قوت سماعت سے بھی محروم ہے. آئیے ان کا کام دیکھتے ہیں. مراد علی حسین کیا اشاروں میں کوئی بات کر سک کہنا چاہیں گے؟ آپ کہنا چاہیں گے تو اشاروں میں کہیں. اوکے, اشاروں میں ٹھیک ہے. ہم مراد کام آپ کو دکھاتے ہیں. میں تو یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مراد کا جو ہے وہ تھیم اس کی ہے سائلنس. مراد قوت گویائی سے بھی محروم ہے, قوت سماعت سے بھی محروم ہے, لیکن میں چاہ رہی تھی کہ یہ اشاروں کی زبان میں بات کریں اور اپنی تھیم بتائیں. جی, سائلنس ورک مراد دل جی بتا رہے ہیں ہمیں. یس یس, اوکے. اس سب میں مراد علی, اس سب میں کون سا کام آپ کو پسند ہے؟ کون سا؟ سارا نہیں, کوئی ایک کام, کوئی ایک کام بتائیں. کوئی ایک کام کون سا پسند ہے؟ سب. اچھا, مراد علی کہہ رہے ہیں مجھے سب کام پسند ہے. آپ کون ہیں ان کی؟ اچھا, انٹرپریٹ کرتی ہیں. آپ ان سے مراد سے پوچھیں, مراد کسی کوئی ایک ایسا کام اپنا بتا دیں جو انہوں نے بہت زیادہ پسند ہے, جو جس انہوں نے سارا کام کیا لیکن تھوڑا سا اس کو ڈسکرائب کر دیں جو ان کو بہت اٹریکٹ کیا کہ ارے میں نے یہ کام کیا اپنے تھیسس میں. اوکے اوکے ٹھیک ہے, یہی کام, یہی کام ٹھیک ہے. یہ اسٹوری ہے جو علی نے اپنی خود کی بتائی ہے. وہ کیا سوچتا ہے, وہ کہاں جانا چاہتا ہے, وہ خواب کیا دیکھتا ہے, کیونکہ وہ بول نہیں پاتا تو وہ پینٹ کے ذریعے بتانا چاہتا ہے کہ وہ کیا کیا کر سکتا ہے. اچھا, میں آپ کو کہاں دیکھنا چاہتا ہے. ٹھیک, وہ اسٹوری یہ ہے کہ وہ پڑھنا چاہتا تھا لیکن کیونکہ وہ پڑھ نہیں پایا اپنی ایجوکیشن کی اچھے سے دی ہے. ٹھیک, کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جو ایجوکیشن ہے وہ ہمیں کس سے ملتی ہے؟ سکسیز پڑھائی سے ہی حاصل ہوتی ہے, پڑھائی سے حاصل ہوتی ہے. تو وہ خواب دیکھتے ہیں کہ میں سکسیز جو حاصل کروں گا وہ کتاب سے پڑھوں گا, اور کیونکہ وہ نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے آپ کو اس طرح فیل کرتا ہے کہ وہ جو بکس ہیں وہ اوپر تک جا رہی ہیں لیکن میں کامیابی حاصل نہیں کر رہا. او ٹھیک, بہت شکریہ. آئے ہم آپ کو ان کا کام دکھاتے ہیں. میں ہوں تماشا, میں تو ہمیشہ آپ کے بیچ میں آ رہی ہوں. اور یہ کیا شعر ہے؟ اپنا لاشا بھی میں اٹھاؤں, خود ہی ناچوں تالی بجاؤں, ہیں گال میرے اور دوست میرا, خود ہی ماروں اور مسکراؤں, تو کیا یہ میں ہوں؟ اچھا جی, یہ نظر الاسلام, نظر الاسلام کے اب ہم دیکھ رہے ہیں کام.
نظم الاسلام بتاتے ہیں کہ انسان ایک بندر کی طرح ہے، اس کو کبھی جو دکھایا جاتا ہے وہ دیکھتا ہے، وہ بیسیکلی ایک نقال ہے، وہ ایک ادھورا انسان ہے، کبھی اپنی سوچ کے زاویوں میں، کبھی اپنی سماعتوں کے زاویے میں، کبھی اپنی کہیں اپنی بصیرت میں، اور کہیں جو ہے اپنے بیانیے میں۔ یہ اچھا ان کی چیزیں ہیں، اور بندر کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ انسان اور بندر کو میرا خیال ہے کہ بڑے، یہ کیا پاکستان بندر کو انہوں نے ٹھیک ہے، اس کے گلے میں ریڈ پٹا ہے، اس نے کیپ پہنا ہوا ہے، اور اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہوتا دوستوں کہ پاکستان کے خلاف بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کے لیے سوچ رہے ہیں، کیونکہ کوئی بھی کریٹیو پرسن جو ہے وہ ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، ایسا بہودہ کام کر ہی نہیں سکتا کہ اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف کوئی بات کیا۔ دیکھیں یہاں پہ، دیکھیں علیحدہ کرا رہے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، یہ دیکھیں، یہ اس کو بھی اندھا دکھایا گیا، یعنی کہ پوری کائنات کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کسی ایک کی بات نہیں ہو رہی، لیکن کیونکہ اپنے وطن میں رہتے ہوئے اپنے وطن کی تو ایک سوچ ہوتی ہے، اور اپنی مجبوریوں کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، اور جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہیں کہیں ہم اتنے مجبور ہوتے ہیں، اور کس طرح ہم کر رہے ہوتے ہیں، بہت ساری جگہ ہمیں وہ کام بھی نہیں کیا جانے دیا جا رہا ہوتا جو کہ ہمیں کرنا ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ بھی انہوں نے یہی دکھایا ہے، ایک سفید بندر ہے، اس کا چہرہ کالا ہے، اس کے ہاتھ کالے ہیں، اس کے پیر کالے ہیں، اس کا گلے میں پٹا کالا ہے۔ تو بہت زبردست ہے۔ اوکے، عامر سے ہماری ملاقات نہیں ہو سکی۔ بشرا امین، یو آر، اچھا، یو کانٹ کنورسیشن، اچھا، اوکے، روایت، اوکے، روایت پہ آپ نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ دوستو روایت پہ انہوں نے کام کیا ہے، اور کام میں تو بڑی ماسٹر ہیں یہ، تہذیب کو بھی اچھی طرح سمجھتی ہیں، ثقافت کو سمجھتی ہیں، لیکن جو ہے اپنے معاملے میں تھوڑی لیزی ہیں، یا پھر تھکی ہوئی ہیں تھوڑی، اچھا، تو تھوڑی دیر آپ نے آرام کیا، بالکل، باقی جب سے میں بھی آئی ہوں میں بھی اپنا کام کر رہی ہوں، میں یہ چاہتی ہوں کہ تعلیم کو پاکستان کو متعارف کرایا جائے، میرا کام، میں ریلیٹڈ ہوں لٹریچر سے، اردو لٹریچر کو بلانگ کرتی ہوں، لیکن بس میں بھی یہی سمجھتی ہوں کہ جب تک آپ تمام جو ہے اصناف آرٹ کی نہیں سمجھ سکتے، جب تک آپ ادب کو بھی نہیں لکھ سکتے، کیونکہ ادب جو ہے وہ تخیلاتی کام نہیں ہے، اور اسی طرح فائن آرٹ بھی تخیلاتی کام نہیں ہے، زندگی تخیلاتی نہیں ہے، اور جبکہ یہ تمام چیزیں بیس کرتی ہیں تخیلات پہ، اس سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کیا کہیں گی بیٹے، آپ کو اس کام کرنے میں، یہ آپ کا کام بڑا زبردست ہے، یہ دیکھیں، یہ انہوں نے سارا ہی دھاگوں کا استعمال کیا ہے، یہ کھڈی پہ کام کیا ہوا ہے انہوں نے، باسکٹ ویو پہ ہے، یہ پلین ویو پہ ہے، یہ بھی پلین ویو پہ ہے، یہ لوم ویو ہے، ٹھیک ہے، اس پہ کیا ہوا کام، ٹھیک ہے، آپ جی دیکھا میں نے، جی بالکل فیل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا آپ کلچر کو زیادہ مطلب پروموٹ کرنا چاہتی ہیں، پسند کرتی ہیں؟ بیٹھیے ادھر، بیٹھیے پلیز، یہ انہوں، یہ دیکھیں، یہ انہوں نے بنایا ہے نا تخت، جو ہمارا روایتی تخت ہوتا ہے، انہوں نے بیسیکلی جو ہماری کلچرل روایت ہے، لائک جیسے پنجاب کی کلچرل روایت، پہلے آپ اپنا نام بتائیے نا، بشرا، بشرا آپ لاسٹ ایئر میں ہیں؟ نہیں، تھرڈ ایئر، تھرڈ ایئر میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہماری جو بیسیکلی کلچر روایت ہے وہ کہیں جا کے ختم ہو رہی ہے، لائک ہم سندھ کی روایت لے لیں، بلوچستان کی لے لیں، پنجاب کی لے لیں، تو میں نے اس چیز کو کپڑوں پہ نہیں، مطلب ایز اے پیڈل پہ نہیں، فارسٹری پہ میں نے کیا، ٹیکسٹائل میں ہم اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہو گیا، اور مطلب گھریلو کلچر کو ہم، اسی لیے میرا یہ پرنٹ دیکھیں گے آپ، بیک پہ کیجیے یہ والا، یہ میں نے اس کا صوفہ کور کے لحاظ سے بنایا، صوفہ کور کو یوٹیلائز، یہ ریڈ بلو والا جو ہے یہ کرٹن، ٹھیک ہے، اور یہ والا میرا میجر ہے، لائک یہ بیڈ شیٹ ہے، یہ کرٹن ہے، یہ اس کا پلو کور ہے، ہاں، اور یہ کشن،
ठीक है, और वो ब्लू वाला जो है उसकी जो कलरिंग है वो लाइक जैसे देखिए सनराइज होता है जी, तो वो बिल्कुल सर्कल पे रेड फिर इस टाइप के, तो वो जो रेड में ब्लू वाला है ये फ्लोर रख के लिहाज से, लाइक अगर आप इसको फ्लोर पे भी कपड़े पे प्रिंट होगा तो ये फ्लोर पे आएगा ना, ठीक है, माइंड रिलैक्सिंग भी है ब्लू कलर का, ठीक है, चीज़ को भी मैंने, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए इतनी कम उम्र में आपको मतलब तहजीब की क्या सूझी, क्या शादीशुदा हो? नहीं नहीं फिर बिल्कुल टीनेज में लाइक हम आर्टिस्ट मतलब टेक्सटाइल डिज़ाइनर अगर ये चीज़ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे वेरी वेरी नाइस, लेकिन मतलब लोग जब हट के काम करते हैं और तहजीबों को जो है वो गुड़मुट कर देते हैं और वो उसको समझते हैं कि हमने जो है ना एक नई जहद दी है, आपने ऐसा नहीं सोचा? नहीं नहीं मैंने इसको न्यू तरह से प्रमोट किया अगर देखा जाए तो, लेकिन हाँ। इसके अंदर तोड़ फोड़ मैंने नहीं किया, वो इस वजह तोड़ फोड़ आपने नहीं किया, ठीक है। देखिए हम जब तक अपनी तहजीब को बेसिकली पहचानेंगे नहीं ना फिर हम अड़ोस पड़ोस के कल्चर में घुसते हैं, जब अड़ोस पड़ोस का कल्चर हम डिफाइन करते हैं तो अपना भी भूल जाते हैं और अच्छा। औरों को भी अपनाने के चक्कर में वो भी अच्छा, यानी कौवा जब हंस की चाल चलता है तो वो अपने भी भूल जाता है, ये मतलब है आपका? अच्छा इसके अलावा अदब से आपको लगाव है? अदब से इतना तो नहीं, बस थोड़ा कहीं दूर जाके, क्योंकि मेरा बेसिकली जो है ना मुझे कलरिंग ज़्यादा पसंद है, वो भी टेक्सटाइल कलरिंग, फाइन आर्ट्स में तो ठीक होता है पोर्ट्रेट बना ले तो लाइक, ठीक है, लेकिन अदब से कोई इतना ताल्लुक नहीं है, लेकिन अदब की इज्जत ज़रूर की है मैंने। वाह बहुत बहुत खूब, असल में तो दोस्तों बात यही होती है कि ज़िंदगी हम गुजार रहे होते हैं, खुद हमारी ज़िंदगी के वाक़ात होते हैं, हमारी अपनी सोचें होती हैं, हमारा एटमॉस्फेयर होता है, उसमें हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे टीचर्स होते हैं, हमारा सुबह का उठना खाना पीना आना जाना रहना सहना मिजाज आशनाई, ये एक आर्टिस्ट में समोई हुई होती है। अगर वो लिटरेचर को ना भी पढ़ो, उसने कोई अफसाना कभी ना पढ़ा हो, कोई कहानी कभी ना पढ़ी हो, कोई पोइट्री कभी ना पढ़ी हो, तो उसके बावजूद वो उनके माखस को समझता है, और उसका माखस क्या होता है? उसका माखस यही होता है कि वो अपनी कल्चर से जुड़ा हुआ हो, उसकी जो बेसिकली दुनियावी सोच है वो क्या है, उसके मजहबी रुझानात क्या हैं, उसके सकाफ़ती रुझानात क्या हैं, वो अपने लिबास से अपने ज़बान व बयान से क्या तासुर आपको दे रहा है, अपनी माशरत के हवाले से जब वो सफ़र करता है तो वो क्या तासुर देता है, तो ये हमें, नाम बताए बेटे अपना, ये हमें बुशरा के यहाँ मिलता है, और इस बात को आप बहुत अच्छे तरह समझ गए होंगे कि बुशरा क्या चाहती हैं और बुशरा किस तरह जो है वो ज़िंदगी को देखती हैं। बेहद शुक्रिया बुशरा, आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। मेरा नाम गुलजदीन है और मेरा टॉपिक है कबूतर और इंसान। मैंने ये लिखा है कि इंसानों के करीब कितना होते हैं कबूतर, वो उन्हीं की तरह फैमिली में रहते हैं, अमन पसंद होता है और अपनी ना फैमिली को सपोर्ट करते हैं, इनकी आदतें अपनी हरकत होती भी होती हैं। यही वजह है कि मैंने जो ह्यूमन पार्ट्स हैं ना जैसे पैर और मुंह इनके साथ अटैच किए ताकि ये फील आए कि जैसे ये हमारी की तरह हैं, हमसे बहुत करीब है, क्लोज हैं, जैसे ये इस तरह से मैंने अटैच किया है। मैंने बताने की कोशिश की कि इंसान और कबूतर कितने आपस में क्लोज हैं और ये गेट टुगेदर, जब हम मिलते हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं या हमारी कोई दावत होती है तो हम इस तरह से पुरसकून तरीके से। अच्छा तो आप कबूतर से कभी कोई शिकायत नहीं रही? कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, इंसान तो ऐसा नहीं करता? कुछ मासूम इंसान होते हैं जो ऐसा करते हैं, अच्छा वक्त के साथ अगर आती है। अच्छा अच्छा कबूतरों के मतलब क्या, कबूतरों के को पढ़ा, कबूतरों को समझा, कबूतरों को पाला, कबूतरों की एक अच्छा नेचर, अच्छा उनकी एक सबसे बड़ी खूबी बताओ क्या है? बहुत अमन पसंद होते हैं। अमन पसंद होते हैं, इसके अलावा क्या? कि वो एक तरह से ना एक सोसाइटी में रहते हैं, जैसे हम इंसान सोसाइटी में सब रहते हैं। अच्छा और आगे बताओ। और ये हमसे जैसे बहुत क्लोज, मैं बताती हूँ, अगर आप एक कबूतर को पाल लेते हैं तो वो आसमान पे कितनी दूरी पे चला जाए, वो अपने वो जो मालिक है ना वो भी उसको पहचानता है, और वो फिर आप कबूतर वो आप किसी को भी दे दें वो वापस लौट कर आता है। इसी के ऊपर GPRS बने, इसी की वजह से GPRS को डिफाइन करें आप अपने तई, जैसे ये जो हम जैसे ट्रैकर होते हैं ना कार के अंदर, ठीक है, थैंक यू। अच्छा अहमद शाह के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? अहमद शाह को जानती हैं? कौन है, कैसे इंसान हैं? बहुत अच्छे हैं।
سپورٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ سب کہہ رہے ہیں، یہاں پہ تو کوئی ممبر بھی نہیں ہے، سب اسٹوڈنٹ ہیں، کسی کو ووٹ بھی نہیں دینا، آپ لوگ اتنی تعریفیں ان کی کر رہے ہیں۔ کیونکہ ہم جب بھی ان سے ملتے ہیں نا، وہ ہم سے بہت پولائٹلی ملتے ہیں، ہمارے کہتے ہیں کیسے ہو بیٹا اور یہ وہ اس طرح سے، تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے۔ اچھا، اور میں نے سنا یہاں پہ وہ چیزیں بھی فراہم کر رہے ہیں جو اسٹوڈنٹس نہیں خرید سکتے، مٹیریل ان کو فراہم کر رہے ہیں، یعنی کہ جو اعلیٰ شخصیات ہیں آئندہ آنے والے وقتوں کی، جو پوری دنیا میں جانی پہچانی جائیں گی، تو اس کے وہ پھر احمد شاہ کا بڑا ہاتھ ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ ممبر، ایز اے ممبر ہم پروگرامس میں آتے ہیں تو ہم سمجھتے تھے احمد شاہ بڑے بڑے پروگرامس کرا رہے ہیں، بھائی فنڈ ونڈ آ رہے ہیں تو پروگرامس کرا رہے ہیں، لیکن وہ اتنے مددگار ہیں کہ مطلب یہ کہ جو لوگ جن کو انہیں ووٹ بھی نہیں دینا، وہ بھی جو ہے ان سے بڑے انسپائر نظر آ رہے ہیں، اور وہ خود بتا رہے ہیں کہ احمد شاہ جو ہے وہ مٹیریل فراہم کرتے ہیں، کوئی بھی ضرورت ہوتی ہے وہ پوری کرتے ہیں، اور بڑا پولائٹلی بات بیہیو کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ جی ہم ہیں ازائر نے کیا کام کیا ہے دیکھیں، ازائر اس سے کیا ہے، یہ انسان کا پورا وجود جو ہے آپ نے کیا ڈسکرائب کرنے کی کوشش کی ہے، ہارٹ آف اسٹون، مطلب کہ پتھر کا دل۔ پتھر کا دل، تو یہ بھی تو پتھر کا نا، یہ بھی تو اسٹون میں ہی آپ نے دکھایا، آپ نے اس پہ اسکن کلر نہیں کیا نا آپ نے اس پہ، اگر آپ اس پہ اسکن کلر کر دیتے تو پھر تو یہ پتھر کا اسٹون سمجھ میں آتا، اب تو یہ تو پورا پتھر کے، مطلب آدمی پتھر کا ہی دل ہوگا، لیکن آپ نے یہاں پہ اس کو جو ہے آپ نے پتھر کے دل میں دیکھا، خون بھی دکھا دیا، ابھی دل پتھر کا نہیں رہا، اس کا مطلب ہے کہ پتھر کے دل بھی دھڑکتے ہیں ہے نا۔ سورہ کہف پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ پتھروں سے بھی چشمے ابالے ہیں، اور ایک تم انسان پتھروں کو دیکھو راستے بدلتے ہیں، اور مطلب یہ کہ اس سے مجھے تھوڑا سا نقص یہ نظر آیا ہے کہ کم از کم اس کو آپ نے جو ہے نا اس طرح بنانا تھا کہ انسانی، ہاں اسکن ٹون استعمال کرنی تھی، اور یہاں پر آپ نے پتھر کا دل دکھانا تھا، اور پھر اس کو جو ہے نا آپ کو اس میں جو خون ہے نا اس کو بھی پھر آپ کو اس کو سیاہ دکھا دیتے، پتھر کا خاکی رنگ دکھا دیتے ہیں، اور یہ اگر آپ نہیں جو آپ نے ڈیفائن کیا ہے نا، وہ اس کے حوالے سے میں نے بات کری۔ جب ہم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی معلومات ضرور ہونا چاہیے، اور عام انسان کی حیثیت سے بھی اگر ہم کسی سے سوالات جب ہی کر سکتے ہیں جب ہمیں اس کی ہاؤ ناؤ ہو، اگر ہمیں پتہ ہو۔ اب ایک تصویر میں نے دیکھی تھی، ایک صاحب نے تصویر بنائی، اور وہ صاحب بھی بڑے عالی مقام صاحب تھے، کوئی ایسے ویسے نہیں، نام نہیں لوں گی میں اس وقت ان کا، انہوں نے وہ تصویر بنائی مجھے دکھائی، کہنے لگے سرت بتائیے تصویر کیسی ہے، میں نے کہا تصویر بہت اچھی ہے لیکن آپ نے بیک گراؤنڈ بہت خراب کلر استعمال کیے ہیں، تو انہوں نے کہا کیسے، سب تعریف کر رہے ہیں اور آپ آ کے جو ہے کہہ رہی ہیں کہ خراب کلر استعمال کیا، میں نے کہا آپ ایک مرحوم کی تصویر بنا رہے ہیں اور پیچھے آپ جو ہے تمام آگ کے جو کلرز ہیں ریڈ اورنج وہ آپ دکھا رہے ہیں، تو یعنی کہ وہ جہنم میں دکھا رہے ہیں اسے، کیونکہ اس کے ایک افیکٹ سے نا آگ کے رنگ، اور اس جس طرح انہوں نے ریڈ کے کلرز، گرین کے کلرز، وہ تھوڑا سا اور ایموشن پیدا کرتا ہے۔ نہیں ایموشن تو، لیکن مطلب آپ دیکھیں نا، ایک شخص جو مرحوم ہے اس کی تصویر بنوائی جا رہی ہے، تو اب اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا بنے گا یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا، اگر آپ کو اس کو دیکھتے ہی آگ کا تصور آئے گا، کیونکہ وہ جو شیڈ تھے نا، پرسنل ریلیشن شپ تھوڑا برا رہا، ہاں تو میں تو آگ والا جہنم والا تو پینٹ کروں گا بیک گراؤنڈ میں۔ نہیں وہ برا نہیں تھا، وہ برا نہیں تھا، پھر انہوں نے اس کو جو ہے انہوں نے تائید کی، اس نے کہا شکر ہے کہ تم نے تصویر دیکھ لی اور اب میں اس کو چینج کروں گا۔ دیکھیں نا جیسے اب آپ نے یہ بنائی ہے تصویر، یہ بنائی ہے نا، یہ پورا ایک ماحول کریٹ کر رہی ہے، ٹھیک ہے، یہاں آگ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے کلر بھی ہیں، ہے نا، اس کے ساتھ آپ نے یہ وائٹ یہ موم بتی بنا دی، ٹھیک ہے، اب آپ نے ہر چیز دکھا دی، ڈریس دکھا دیا آپ نے، یہ دکھا دیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جب یہ بیک گراؤنڈ میں جو آپ نے یہ پیسفل کلر، یہ آنکھوں کو ٹھنڈا کر دینے والا ماحول ہے نا، تو یہ کانسیپٹ ہے،
एक पुरसकून और ये जो उम्मीद का दिया है वो भी साथ में है, मजहबी इकदार भी साथ में है। आपको यही बोल रहा हूँ कि हर पेंटिंग का एक अलग बैकग्राउंड, अलग मैं यही कह रही हूँ। हाँ अच्छा, अब आप ये बताइए, ये आपने बना ली है, ये एक तस्वीर है, मैं इसको पूरी जो है वो नहीं लूँगी, लेकिन बहरहाल ये ठीक है, इट्स ओके। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि बाहर काम तो ये मुश्किल है। लेकिन अच्छा, ये कहते हैं कि आप जो है वो बगैर मॉडल के नहीं बना सकते इस तरह की तस्वीरें, नहीं बना सकते, ये बात सच है? तो बनाना तस्वीरें आप बगैर मॉडल के नहीं बना सकते, तो आपने इसके लिए मॉडल इस्तेमाल किए? ये मॉडल मॉडल था, अपना पर्सनल मॉडल नहीं है, बट अच्छा मिल जाते हैं आपको, ठीक है, तो शायद रसाम से भी हेल्प ले लेते हैं जब मॉडल की जरूरत होता है, ठीक है। अरे नाम नहीं दीजिए, बस वैसी बात कीजिए, ठीक है। अच्छा आप यहाँ पे ये बताइए, ये काम ऐसा है फाइन आर्ट्स का, इसमें मज़हब और ये तमाम चीज़ें नहीं देखी जाती, यहाँ सब लोग अपने होते हैं, लेकिन मज़हब तो हर काम में देखे बिलोंग करता है क्योंकि वो आपकी सोच और आपकी तहजीब से रिलेट होता है, तो उससे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। आप इस तस्वीर में आपने क्या क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम उनके कबूतर को जो है वो तीर लग गया है और इंसान की आँख में पट्टी बंधी हुई है मगर वो चीख रहा है। इंसान सोसाइटी फील करता है कि यार के माशरा कोलैप्स होने वाला है, ठीक है, उनको पता नहीं है क्यों क्या अच्छा कैसे ओ उनको पता नहीं है, मतलब वो अंधे उस चीज़ के लिए, अच्छा बट उनको फील होता है, ठीक है, तो वो डेड कबूतर वही है, वही सीन है, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये बताइए कि ये अहमद शाह प्रेजिडेंट ऑफ आर्ट्स काउंसिल हैं, जानते हैं आप उन्हें? क्या जानते हैं उनके बारे में? That he is a very helpful person. Whenever I need any help or something, he is the person to go to talk to him. And obviously he. अच्छा क्या वोटर हैं यहाँ के? Yes. अच्छा. Yes. ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है कि एक बड़ा आर्टिस्ट को यहाँ का वोटर होना भी चाहिए, अगर एक बड़ा आर्टिस्ट यहाँ का वोटर नहीं है तो फिर आर्ट्स काउंसिल का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इट्स ओके। दोस्तों मानूर खान का काम देख रहे हैं, मानूर खान इस वक्त इंटरव्यू दे रही हैं और हम उनसे बाद में बात करेंगे, काम देख लीजिए उनका, मानूर का कि क्या है। ज़िंदगी को रिसाइकल करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? वो होती है बैक्टीरिया, जो दुनिया में जो पहली चीज़ जो जिंदा मादा थी वो बैक्टीरिया था। इन बैक्टीरिया ने किस तरह से प्रोसेस करके ज़िंदगी को बढ़ाया, वजूद में लेकर आया, तो वो सारे प्रोसेस मैंने यहाँ पर अपनी पेंटिंग्स में दिखाए और उनको उसी तरह कलरफुल करके दिखाया कि किस तरह से बैक्टीरिया फर्टिलाइज कर रहे हैं, किस तरह से ज़मीन का जो क्रस्ट सोया होता है उसमें बीज बोते हैं और बीज बोने के बाद जब पानी डालते हैं तो वो उसमें बैक्टीरिया जो है वो ज़िंदा हो जाते हैं, जब वो ज़िंदा होते हैं जाग जाते हैं, ज़िंदा तो होते हैं लेकिन वो जाग जाते हैं, जब वो जागते हैं तो उनकी जितना भी थोड़ा थोड़ा का अमल होता है वो करना शुरू करते हैं, वो बीज को तोड़ते हैं, जब तक वो उस बीज को तोड़ेंगे नहीं उसमें से पौधा नहीं निकलेगा, पौधा नहीं निकलेगा तो ज़िंदगी हो जाएगी सबके लिए बहुत ज़रूरी, वो सारी चीज़ें सारे प्रोसेस करने अस्सलाम वालेकुम, कैसे बेटा? मैं ठीक हूँ अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे? अच्छा हाँ मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आपने कहा कि आपने यहाँ जरसुमे पे काम किया है? मैंने हाँ जी बैक्टीरिया ठीक है बैक्टीरिया पे काम किया, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि आप तो फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हैं तो आपको साइंस से रग़बत है? मैं यहाँ पे ये नहीं कर रही कि मैं यहाँ पे किसी को साइंस सिखा रही, मैं ज़िंदगी पर काम कर रही हूँ। नहीं ज़िंदगी पर काम तो कर रहे हो आप, मैं आपसे एक अपने तई मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपको साइंस से रग़बत है? हाँ ऑफ कोर्स है, मैंने बायो पढ़ रखी है थोड़ी बहुत, मैं अच्छा उसकी बेस पर
अच्छा अच्छा अच्छा, वो काम आपको जो है दूसरे कामों से जुदा कर रहा है, यानी कि सना सुभान हमारे साथ हैं, मेरी कोऑर्डिनेटर सना सुभान मेरे साथ हैं। सना सुभान, आपने इनकी बात यकीनन सुनी होगी कि किस तरह इन्होंने कहा कि मैंने, क्योंकि बायो पढ़ी हुई है और उसके बाद ये फाइन आर्ट्स में आई हैं, तो किस तरह मतलब रिलेट किया इन्होंने अपने काम को, जो फाइन आर्ट्स को जो है इन्होंने बायो से जो है रिलेट किया है, और आप ये देख लेंगे इनका काम दूसरे काम से इसलिए मुनफरिद है। आया हम इनका काम देखें। और कोई ख़ास बात अपने बारे में बताना चाहोगी? ख़ास बात ये है कि मुझे कलर्स बहुत पसंद है, ब्राइट कलर के यूज़ करना और उनके साथ खेलना समझें एक तरह से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन लेकिन बात ये है कि आपका कलर कहीं पे भी ना आउट ऑफ बैलेंस नहीं हो रहा है, और कहीं आपने कंट्रास्ट तो आपने इस्तेमाल किया है, बे इंतहा कंट्रास्ट आपने इस्तेमाल किया, लेकिन कहीं पे आपको कंट्रास्ट जो है ना वो बुरा नहीं लग रहा, ये एक खूबी है आपके काम में। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अपनी पेंटिंग्स को और कंपोजिशन को और कलर्स को बैलेंस करना। दोस्तों, किस तरह एक जरसूमे से जो है वो किस तरह जड़ें फूटती हैं एक बीज से, ये इन्होंने यहाँ पे जी बिल्कुल जरा सेम या ज़िंदगी या एक बीच से किस तरह जो है ना वो तख्लीक होती है और चीज़ों की। और ये क्या है? ये मैंने हार्मफुल बैक्टीरिया दिखाया है। हार्मफुल बैक्टीरिया, वाह, मैंने वो बैक्टीरिया भी दिखाया है जो तकलीफ पहुँचाने वाले, इसीलिए मैंने ठीक है इस तरह रिप्रेजेंट किया कि लगेगी। अच्छा, लेकिन मुझे बताओ ना, ये तो हैंडिंग वर्क है ना, ये तो सारा ये तो हैंडिंग वर्क है, ये स्कल्पचर है। हाँ, तो फिर स्कल्पचर कहते हैं, तो ये मैंने खुद बनाया है। अच्छा, तो इस आपको मतलब कितनी जहतों में काम सिखाया जाता है? फाइन आर्ट्स वो शोभा है जिसमें आपको फाइन आर्ट्स के हवाले से हर चीज़ सिखाई जाती है, स्कल्पचर, पेंटिंग्स। अच्छा, 4 साल का कोर्स होता है? ये 4 साल का कोर्स नहीं होता, ये डिप्लोमा होता है। ये डिप्लोमा होता है, ठीक है, जिसमें आपको हर चीज़ ही सिखाई जाएगी। अच्छा, वहाँ पे देखें, वो उन्होंने जो काम किया है, रोजाता शायद उनका नाम, उसने जो है वो बल्ब में जो जिस तरह कॉटन दिखाई है, ठीक है, वो बड़ी हसीन है, लेकिन आप मुझे बताइए, ये यहाँ से भी हम ये देख सकते हैं, ये तरह बादल बनाए है ना, लेकिन अगर कोई शख्स उसको घर पे जाके जो है इस तरह अगर वो कर लेगा तो मतलब कोई नुकसान हीट से? नुकसान तो बिल्कुल भी हीट से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उस, अगर ये नुकसान भी होता तो हम यहाँ पर भी नहीं करते। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हाँ, ये सवाल उन्हीं से करना था, लेकिन क्योंकि इस वक्त मुझे ख्याल आया और आपने बायो भी पढ़ी हुई है तो मैंने कहा आपसे करें। जी, ये बीज दिखाया है कि किस तरह से बैक्टीरिया जो है बीज को खोल रहे हैं और उसमें से पौधा निकल रहा है। ठीक है, ठीक है। किस तरह से दाने में से किस तरह से ज़िंदगी, ठीक है। अच्छा, उस तरफ क्या है? उस तरफ भी लोगों का काम लगा। अच्छा, तो बड़ी बड़ी सतह पर काम लगा हुआ है। इसके लिए तो एक दिन चाहिए, और आज तो कॉन्फ्रेंस भी है। वो ये एक्सपेरिमेंटल वर्क है, इसमें मैंने दिखाया बैक्टीरिया किस तरह से मूव करते हैं। जबरदस्त। अच्छा, ये भी आपने खुद बनाया है? जी, मैंने खुद बनाया है। ये आपने शीशा कटवाया, उसके बाद शीशे को आपने एक्रेलिक शीट से जो ठीक है इनको कटिंग करवा के मैंने जी बिल्कुल क्लोरोफॉर्म वगैरह जो कुछ भी इसके लिए यूज़ किया जाता है ठीक है लगा के मैंने इसको बनाया है। ठीक है, और उसमें फिर वो ग्लिसरीन मैंने इसके अंदर डालकर इसको। अच्छा, ग्लिसरीन आपने इसके अंदर डाले, ठीक है। अच्छा, अहमद शाह के बारे में क्या कहेंगी? मैं अभी अहमद शाह की जो गुफ्तगू सुनी उनके बारे में मैं बड़ी हैरान हो गई। एक शख्स को हम समझते हैं बाहर से पैसे मिल रहा है, और जनाब अली वो जो है ना प्रोग्राम्स कर रहा है तो कौन सा एहसान कर रहा है, वो प्रेसिडेंट की सीट पे बैठा हुआ है, उसको करना ही करना है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ बिल्कुल अलहदा बात सुनने को मिली है कि भाई वो तो स्टूडेंट्स को मटेरियल फराहम करते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा मददगार हैं स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा ये सच है क्या? जी बिल्कुल, ऐसी बात है कि यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो कॉन्सर्ट करते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं, पैसा कमाते हैं और प्रेसिडेंट की सीट पर बैठे, अगर वो प्रेसिडेंट की सीट पर बैठे हैं तो वो उसको निभा भी रहे हैं। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे वो बच्चों को हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि उनकी स्किल्स बढ़ सकें, ठीक है, मुकाम पर पहुँच सकें, ठीक है। उसके लिए काफ़ी उन्होंने हम लोगों को चीज़ें प्रोवाइड की हैं, ठीक है, मौके प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पर भी वो मुतारिफ कराते हैं, अगर आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी हो और आपका काम बहुत अच्छा हो तो वो आपको आगे बढ़ने की चांसेस देते हैं, ज़रूर देते हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच। आइए हनी जी, ये वहाँ आपको थोड़ा मुख्तसर दिखा देते हैं, फिर बाद में हम आपको जो है ना
वो थोड़ा सा काम उस तरफ भी है और कल क्यों नहीं आया? हाँ भाई ऐसे तो गुस्सा कर जाए ये दोस्तों, पहले तो इनकी ड्रेसिंग देखिए और हमारे जो फाइन आर्ट्स के ये इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की इतनी प्यारी बच्चियाँ हैं। ये हैं खदीजा यूसुफ के काम के साथ हम खदीजा यूसुफ से बात करते हैं। खदीजा यूसुफ क्या कहती हैं अपने काम के बारे में? जी मेरा काम एस्ट्रोलॉजी पे है। ठीक है, जो ज़ोडियक साइंस होती है उनको इधर बैठ जाए ज़ोडियक साइंस होते हैं ना उनको फोकस किया, उनके जो सिंबल्स होते हैं, कलर स्कीम है उनकी, जो फिर जो साइंस है उन सबसे डिज़ाइन क्रिएट किया। पॉलिस्ट्री पे काम किया, मतलब इंटीरियर में जो भी चीज़ें आती हैं उस पर काम किया है। तो ये मैंने ये सारी बेडशीट की डिज़ाइन बनाई हुई है, फिर उसकी कलर स्कीम्स है कि अगर ये डिफरेंट कलर में होते तो ये कैसे लगता है। स्क्रीन प्रिंटिंग की हुई है, वीविंग की हुई है, ये सब कुछ स्क्रीन प्रिंटिंग खाड़ी के ऊपर ठीक है ये खड्डी पर काम है। ठीक है, ये मैट बनाया आपने खड्डी पर, ठीक है। हाँ ये वीविंग का काम है, बाकी ये डिफरेंट जो खड्डी के ऊपर काम किया है वो हो जाएगा कुछ है ना। ठीक है, वीविंग्स बनाई हुई है मैंने बाल पूरा, और ये सारी डिज़ाइन है इसके, वो है कोऑर्डिनेट्स है। अच्छा ये फूल आपको पेश किए गए? ये फूल रखे हुए हैं। अच्छा क्यों काम पे भरोसा नहीं है, फूल रखने पड़े अपना स्टॉल को सजाने के लिए आपको फूल क्यों रखना पड़े? थोड़ी यहाँ के बात करें ताकि मोबाइल में आवाज़ आपकी सही। ये सर को मिले थे फूल। अच्छा बाकी ये मेरा काम है, बाकी ये स्क्रीन प्रिंटिंग की भी है। अच्छा ये की भी है, ठीक है ठीक है। ये बैग हाथ से खुद ही पेंट किया हुआ है, सब चीज रिलेटेड काम है। ठीक है। अच्छा खदीजा आर्ट्स काउंसिल में आपको पढ़ना कैसा लग रहा है मुझे ये बताइए, यहाँ बैठिए मैं आपसे कह रही हूँ ताकि आपकी आवाज़ सही आ सके। बैग नहीं है, नहीं ये बात सुने मैं आपको बताती हूँ, ये आप नीचे जाइए ऑफिस है ना, बल्कि यहीं पे किसी को दे दीजिए, किसी को क्या इनमें स्टूडेंट्स में से किसी को दे दीजिए। चले छोड़े जी, तो ये क्या कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, हाँ आर्ट्स काउंसिल में पढ़ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। टीचर्स जो है हमारे इस सब मुकरण थोड़े से सब मुकरण टीचर्स जो है हमारे सर खालिद सर आमिर काफ़ी सपोर्टिव है। अब बहुत ज़्यादा जूम इन नहीं 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 ऐसा नहीं हो रहा सर खालिद सर आमिर जो है वो बहुत सपोर्टिव है। ठीक है, टेक्सटाइल के सर हमारे तो उन्होंने ही हमें ये सब कुछ सिखाया, पर शायद साहब भी काफ़ी सपोर्टिव, स्कॉलरशिप स्कीम उन्होंने स्टार्ट की उसकी वजह से काफ़ी हमें। स्कॉलरशिप स्कीम किसने स्टार्ट की? सर शाहिद हसन ने, मतलब खुद अपने मतलब उसका ताल्लुक आर्ट्स काउंसिल से नहीं है स्कॉलरशिप का? सर शाहिद हसन का नहीं तो, मतलब आपको स्कॉलरशिप तो आर्ट्स काउंसिल दे रहा है ना, है ना? आर्ट्स काउंसिल प्रेसिडेंट ऑफ आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह उनके तवस्सुत से मिल रहा है ना आपको हर चीज़, मटेरियल भी मैंने सुना है वो दे रहे हैं। जी मटेरियल भी प्रोवाइड करें वो लोग, तो इसीलिए हमने ये सब कर लिया। आसानी से आप जो है वो अपनी मंजिल तय कर रहे हैं आर्ट्स काउंसिल, तो भाई हमें तो ये पता था कि कमा रहा है इंस्टीट्यूट से। अब बहुत सारे लोगों को ये पता चला होगा कि आर्ट्स काउंसिल जो है वो पाकिस्तान को ज़हीन तालिब इल्म दे रहा है जो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। जी सर, और अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़। सॉरी।